नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हस्त रेखा हस्त रेखा जैसा कि सभी लोग जानते हैं ये भारतीय विज्ञान है और एक ज्योतिष गणना है जिसके आधार पर व्यक्ति की भविष्य आयु रोग पुत्र पुत्रादि के बारे में कलांतर से युग युगान्तर से लोग भविष्यवाणी करते चले आ रहे हैं मगर आज हम आपको बताएंगे कि आपकी तर्जनी अंगुली में स्त्री हो तो उल्टे हाथ यानी बाएं पुरुष हो तो दहने हाथ की तर्जनी उंगली में वो कौन सा निशान है वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बनने से आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं आगे मेरे साथ क्या होगा कैसा रहेगा तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपसे निवेदन है कि ये बहुत सटीक चीज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो को हमारे बहुत विद्वान भाई भी लोग देखते हैं अच्छे साधक भी देखते हैं हमारी वीडियो को अच्छे अच्छे जानकार भी देखते हैं तो मैं आज उनके बीच जितना मुझे ज्ञान है मैं आप सभी लोगों के प्रति समर्पित कर रहा हूं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक इसलिए कर दें ताकि अच्छी अच्छी नई नई वीडियो निःशुल्क सेवा आपके साथ होती रहे एक बार बोलेंगे हम जय श्री राम आइए क्रम में बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ मित्रों दहने हाथ की उंगली यानी तर्जनी में हमारे तीन भाग होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय इनको हम पोर बोलते हैं क्या बोलते हैं पोर प्रथम पोर द्वितीय पोर तीसरा पोर सबसे पहले जातक अपनी उंगली को ऐसे करें और ये जो गड्ढे बने हुए हैं यानी पोर के निशान के ऊपर आपका उभरा हुआ हो गद्दी नुमा हो ऐसे तीनों पे हो तो आप निश्चिंत समझिए कि आपके सुख में बढ़ोतरी होने वाली है परंतु स्वास्थ्य आपका दिक्कत हो सकता है स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य का ध्यान इसके साथ रखना है अब दूसरी बात क्या है कि जब हम ऐसे करने के साथ ये देख रहे हैं चंद्रमा जैसा ऊपर बन गया आपको नजदीक से दिखा देते हैं ये ऊपर चला गया ये जो पोर रहती ऊपर चली गई अब अगर ये पोर आपकी ऐसे करने पे ये चीज़ ऊपर को जा रही दोनों को जिसे एक धनुषा का इस टाइम में बन जाता है ये तो आप समझ जाइए आपके कैरियर में बदलाव आना चालू हो गया आप धीरे धीरे तरक्की करना चालू कर दिए ठीक है अब यहाँ देखिए ऐसे करने पे ये दो निशान एक दो ये इधर आके मिल गए कि इधर आके मिल गए ये जौ जैसे जौ होता वैसे बन गया अगर आपके ऐसे तर्जनी में ऐसा है तो आपका शुक्ल पक्ष का जन्म होगा साथ ही आप मनमौजी किस्म के होंगे अपना खुश रहो दूसरों को खुश रखो ये आपका एक ध्येय रहेगा लेकिन जिंदगी में आप कठिनाइयों का सामना करते रहेंगे फिर भी किसी चीज की कमी नहीं होगी अंततः भाग उदय छत्तीस वर्ष के बाद होगा और यही चीज अगर यहां बन जाती है इस टाइम में यहां तो बनी नहीं लेकिन इस टाइम में ऐसे बन जाती है तो आप कोई बड़ा पद बड़ा सम्मान या बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे जिससे समाज देश में आपका नाम होगा और ये चीज अगर कुछ नहीं बनती ऐसे क्रास रहेगी ऐसे लंबी लंबी सी रहेगी रेखा तो आप अपनी जिंदगी में खाते रहोगे कमाते रहोगे भरते रहोगे ऐसे ये मीडियम सा सिलसिला चलता रहेगा अब पोर की बात करें ये पोर आके आगे पतली हो जाती है तो आपकी आयु के तीसरे चरण में आपको गाड़ी बंगला मकान पुत्रा धन की कमी नहीं रहती है लेकिन बचपना आपका बहुत ही कष्टमय बीतता है अब आइए पलटते हैं इस जगह पे अगर आपके उभार हो जाता है यानी उठा हुआ हो जाता है तो आपको पिता का सुख नहीं मिलेगा और यही चीज एकदम धंस जाती है तो आपको पिता के तरफ से कोई बड़ा अमूल्य धरोहर या जायजात या संपत्ति मिलेगी और यहीं पे आके इस जगह अगर आपको ये जो रेखाएं देख रहे हैं ज्यादा रेखा ऐसे ऐसी हो जाएगी तो मात्र सुख में कमी और इसी जगह ये स्थान उभरा हुआ हो जाए और एकदम स्पष्ट चिकना सा रहे तो मात सुख के साथ पत्नी सुख ससुराल सुख जबरदस्त रहेगा ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच दिया हूँ अगर आपको ये आ, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें बस इतना ही आपसे एक निवेदन और है आप अपने यहाँ बर्थडे मनाते हैं कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो एक वृक्ष लगा दें अगर आपको माता रानी ने धन धान से परिपूर्ण रखा है पैसे वाले हैं कोई कन्या अगर पढ़ ना रही हो पढ़ने के लिए उसके पास पैसे न हो एजुकेशन के लिए पैसे ना हो तो आप एक कन्या को पढ़ा दें यही सबसे बड़ी मानव सेवा है धर्म है बाकी आप सभी लोगों का कल्याण करें तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे एक रुपए किसी को न दें माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें जय भारत जय श्री राम हर हर महादेव